अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है और आप किस तरह से चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी उसी से रेलेवेंट है और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज़ शेयर करूँ कि आप CV एक अच्छी कैसे बना सकते हैं और चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी CV में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपने प्रोफेसर को इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे जिसकी वजह से आपको एक अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में कोई ऐसा खास रिक्वायरमेंट नहीं होती CV फॉर्मेट की, जैसे आप अगर यूरोपियन साइड पे करते हैं तो आपको यूरोपास वाली एक CV का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है, और मतलब इस तरह की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है चाइना में। आप अपनी मर्जी से CV बना के भेज सकते हैं, आप वर्ड पे भी बना सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आप वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें CV बनाने के लिए। एक सॉफ्टवेयर जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है CV इंजीनियर। उस पर जाके आपको डिफरेंट लेआउट्स मिल जाते हैं, उसमें जाके आप इजीली अपनी CV बना सकते हैं। मैंने भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। नो डाउट मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया था जो जिसपे पेमेंट थी, लेकिन जो मैंने अपनी CV प्रोफेसर को भेजी थी वो उसी से जनरेटेड था, CV इंजीनियर से जनरेटेड था। करें आप जिस प्रोफेसर को अपनी CV सेंड कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने जहन में रखें, लाइक उसकी रिसर्च फील्ड को अपने जहन में रखें। आपने उसे यही शो कराना है कि आपका रिसर्च एरिया उसके रिसर्च एरिया से मिलता जुलता है, लाइक आपका रिसर्च इंटरेस्ट उसके रिसर्च एरिया में है। तो ये चीज़ आपने अपने CV में शो करवानी है, और आपने सबसे पहले मेंशन करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, लाइक आपका CV आप क्यों बना रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एडमिशन लेटर चाहिए और सॉरी आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई आपने ये CV बनाई है। तो आप एक स्टूडेंट की CV बनाएंगे, आप प्रोफेशनल CV नहीं बना रहे, तो एज अ स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक चीज़ आपने जो मेंशन करनी है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। अब एकेडमिक बैकग्राउंड में मोस्टली ये होता है, आपको अपने मैट्रिक की, आपको अपने FSC की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपका बैचलर्स का जो रिकॉर्ड है, लाइक आपकी CGPA अगर तो बहुत अच्छी है तो आप उसको हाईलाइटेड मेंशन करें कि मेरी फ़लानी मतलब 3.7 है, 3.8 है, 3.4 है, अबव 3.5 ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे मेंशन करें हाईलाइटेड। अगर तो आपकी GPA बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसको ज़रा सा कह लें हल्के टोन में मेंशन करें, ठीक है, लाइक आपको हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है आप उसको साइड पे हल्का सा मेंशन करें। ओके, उसके बाद आपने अपने मेजर का बता देना है उसमें कि भाई मैंने फलानी जो मेरी डिग्री है उसका मेजर ये था, मैंने इसमें पढ़ा है। अच्छा, ये चीज़ आपकी हो गई एकेडमिक बैकग्राउंड में। और अगर तो आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने मास्टर्स के रेलेवेंट भी एकेडमिक बैकग्राउंड में ही मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा यहीं पर आप अगर तो आपकी कोई पब्लिकेशन है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका रिसर्च बैकग्राउंड, अच्छा, और रिसर्च इंटरेस्ट, यू कैन से दैट वो रेलेवेंट होगा डेफिनेटली आपके मेजर के साथ। जो आपने मेजर पढ़ा है आप वही शो करेंगे कि भाई मेरा रिसर्च इंटरेस्ट इस मतलब मेजर से रेलेवेंट ही होगा, ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही आप मेजर से हट के कह देंगे मेरा कोई रिसर्च एरिया इस तरह का है। प्रोफेसर के रिसर्च एरिया से रेलेवेंट होना इज़ गुड, बट आपके मेजर से रेलेवेंट अगर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक प्रोफेसर आपको कह देगा कि भाई आपने पढ़ा तो कोई और मेजर है और आप जो इंटरेस्ट शो करा रहे हैं वो आपका किसी और फील्ड में जा रहा है, तो आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है ना वो ढंग से शो कराना है। मैंने अपनी दफ़ा जब अप्लाई किया था तो मेरा क्योंकि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा, तो मेरा जो प्रोफेसर है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का काम था, तो मैंने अपना जो है ना फिर रिसर्च इंटरेस्ट शो करवाया था रीन्यूएबल एनर्जी से रेलेवेंट, और वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोफेसर के रिसर्च एरिया से जाके मिल गया था। और नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपके अकेडमिक प्रोजेक्ट्स, लाइक अपने बैचलर्स की डिग्री में डेफिनेटली आपने कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, छोटा मोटा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, उस छोटे से प्रोजेक्ट को आपने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें CV में। अच्छा, ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा करके दिखा देना है आपने, डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट की CV ही बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस आप हाईलाइट कर देंगे भाई मैंने जिस प्रोजेक्ट में काम किया था जो है ना उस पर मुझे कोई अचीवमेंट मिली है, लाइक मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला है या इस तरह की चीज़ आपको अगर मिली हुई है तो आप उसे लाजमी मेंशन करें, ठीक है। मेरा तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ था तो मैंने अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स जो थे वो मेंशन किए थे, और ये जो प्रोजेक्ट वाला काम है ना, मतलब आप अपने पास्ट में प्रोजेक्ट्स जिनमें आपने काम किया होता है जब आप उनको मेंशन करते हैं तो आप समझें कि आपकी CV को 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि एक ना टेक्निकल बैकग्राउंड आपका शो हो रहा होता है प्रोफेसर को कि आपने टेक्निकली किसी चीज़ में काम किया हुआ है इन्वॉल्व होकर, तो प्रोफेसर जो है ना इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि एक स्टूडेंट जो है ना उसके पास थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है और जब वो हमारे साथ आएगा रिसर्च एरिया में काम करने के लिए या रिसर्च पे काम करने के लिए तो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा। तो इस चीज़ को लाजमी आप जो है ना अपने जहन में रखें कि आपने प्रोजेक्ट लाजमी मेंशन करना है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, और बेसिकली आपने ये भी मेंशन करना है
कि उस प्रोजेक्ट में आपने किस स्पेसिफिक एरिया पे काम किया है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे नहीं होता कि एक पाकिस्तान में तो यही है ना कि अब 4 या 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, फिर वो मिलकर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं. तो आपने अपना स्पेसिफिक एरिया मेंशन करना है कि आपने उस प्रोजेक्ट में किस एरिया पे काम किया था. सीवी के लिए नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी ट्रेनिंग एंड स्किल्स. ट्रेनिंग एंड स्किल्स में आपने मेंशन करना है आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर्स आते हैं. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट तो डेफिनेटली आजकल की जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट तो हर बंदे को ही आता है, तकरीबन 90% स्टूडेंट्स को आता है. FSC का स्टूडेंट भी माइक्रोसॉफ्ट सीख लेता है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो आपको आता ही है. उसके अलावा आपके पास क्या स्किल्स हैं, लाइक आपने बैचलर्स में किसी सॉफ्टवेयर पे काम किया, लाइक आपने C++ पे, MATLAB पे, Proteus पे, ये तो मैं इलेक्ट्रिकल से रेलेवेंट बता रही हूँ. उसके अलावा आपके अपने फील्ड से रेलेवेंट कोई हैं इस तरह की चीज़ें जिसको आप एज अ टेक्निकल स्किल काउंट कर सकते हैं, उसको आपने अपने ट्रेनिंग स्किल्स में मेंशन करना है. नेक्स्ट चीज आ जाती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. लाइक आपकी कोई हॉबीज़ हैं इस तरह की जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काउंट कर सकते हैं, लाइक कोई स्पोर्ट हो गया कोई, और जैसे रीडिंग हो गई, या खासतौर पे कोई स्पोर्ट अगर हो तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बेहतर रहता है. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फिर आप अपनी सीवी पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस आपका रिसर्च एरिया है वो आपने सबसे अच्छे से मेंशन करना है. हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप उसको प्रोफेसर को किस किन अच्छे अल्फाज में मेंशन कर सके, तो आप थोड़ा बहुत इस चीज़ के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लें. लाइक आप चैट जीपीटी पे जाएं और आप उसको बताएं कि मेरी ये प्रोफाइल है, लाइक मैंने बैचलर्स किया हुआ है और मैंने इस प्रोजेक्ट पे कुछ ऐसा काम किया है, तो मैं अपने प्रोफेसर को अपना रिसर्च एरिया शो कराना चाहता हूँ अच्छे अल्फाज में. तो आप उसको ना स्पेसिफाई कर दें कि मुझे 50 वर्ड्स में बताएं कि मैं उसे कैसे बताऊँ प्रोफेसर को, या 100 वर्ड्स में बताएं, फिर उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर लें जो जो डाटा आपने अपनी सीवी पे मेंशन करना है. इट विल हेल्प यू अलॉट. ओके, लेकिन आपने पूरी प्रोफाइल चैट जीपीटी से ना बनवाएं, क्योंकि चैट जीपीटी आपको जो है ना एक यूनिवर्सल सा करके डाटा दे रहा होता है, तो वो प्रोफेसर इतना इंप्रेस नहीं हो रहे होते उस चीज़ से. आपका स्पेसिफिक डाटा जो होगा ना वो प्रोफेसर को इंप्रेस करेगा, कि आपका पर्सनली जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है अकेले बंदे का, वो प्रोफेसर को इंप्रेस करेगा. ओके, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका पर्सनल डाटा. वो तो डेफिनेटली आपने सीवी पे सब नहीं मेंशन करना होता है. आपने अपना नाम, अपना अपना जो है क्या कहते हैं, अपना कंप्लीट नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल जो है आईडी जिससे प्रोफेसर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, ये चीज़ें सारी आपने मेंशन कर देनी है. उसके बाद लास्टली जो चीज़ आ जाती है होती है रेफरेंसेस. रेफरेंसेस में आपने क्या मेंशन करना है, आपने जब डिग्री की है बैचलर्स की तो आपके कुछ प्रोफेसर्स होंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उनसे बात कर लें कि सर मैं सीवी बनाई है और मैंने जो है ना वो आगे भेज दिया, मैं उसमें आपका रेफरेंस दे रहा हूँ. अच्छा, और एक और चीज़ ये हो जाती है कि आपकी यूनिवर्सिटी से जब आप रेफरेंस लेटर जब आप अपने प्रोफेसर से लेते हैं, जो प्रोफेसर आपको रेफरेंस लेटर दे रहा है उसको आप बता दें कि भाई आपका जो नाम है ना वो मैंने अपनी सीवी पे मेंशन कर दिया है. तो इन फ्यूचर अगर कोई भी बंदा, कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से या कोई भी अदर पर्सन आपको अप्रोच करता है मेरे से रेलिवेंट, तो आपने फिर जो है ना उसको रिस्पॉन्स देना है. तो आप ऐसे बंदे का ही नाम रेफरेंस में लिखेंगे जिससे आपको उम्मीद है कि वो रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कुछ प्रोफेसर रेफरेंस पर्सन को मेल कर लेते हैं, तो अगर तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये आपका नुकसान है फिर. तो आप ऐसे ऑथेंटिक बंदे का नाम लिखें जिसको रिस्पॉन्स मिल सकता है. मोस्टली यही है कि आप अपने पास से पढ़े हुए प्रोफेसर उन्हीं का नाम लिखें एज अ रेफरेंस. हाँ, अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने जॉब की हुई हो, वहाँ पे भी किसी सुपरवाइजर का या किसी सीनियर पर्सन का आप नाम दे सकते हैं, इनकेस अगर वो एग्री करे. क्योंकि आप नाम ऐसे ही बंदे का दें जो आपके साथ एग्री कर रहा है. अगर आप ऐसे बंदे का नाम दे रहे हैं जिसको पता भी नहीं है कि आपने उसका नाम दिया हुआ है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, आपके साथ प्रॉब्लम हो भी सकती है. जो होगी ना कि आपको पता चल गया कि आपने क्या क्या चीज़ें सीवी में मेंशन करनी है, बेहतर यह है कि आप एक कॉपी पेंसिल ले लें, उस पर आप लिख लें कि भाई मैंने ये चीज़ें मेंशन करनी है अपनी सीवी पे. उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर पे जाएं, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जैसे सीवी इंजीनियर हो गया, सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है ये, बहुत ही कह रहे यूज़र फ्रेंडली है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस आपने अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है इसको और ये आपको सीवी निकाल के दे देगा पीडीएफ में वो भी. तो इसमें बस ये है कि आपके पास सारी डिटेल आपके पास है, आपने जाना है सॉफ्टवेयर ओपन करना है और आपने उसमें अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है, और आपने फिर एक दफ़ा निकाल के देख लेनी है सीवी, क्या देखने में ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, और मेन चीज़ जो जो आपने पॉइंट्स मेंशन करने थे वो सारे कवर हो गए हैं, और प्रोफेसर को आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज आपको खुद मिल रहा है, तो फिर आपने जो है ना अपनी सीवी फाइल कर लेनी है. अच्छा, और पिक्चर जो है ना, मैंने वैसे अपनी सीवी में पिक्चर नहीं लगाई थी, लेकिन मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला है और मेरे प्रोफेसर ने जो है ना बड़ा अप्रिशिएट भी किया था मेरी सीवी पे. तो जो है ना पिक्चर लाजमी नहीं होती, कुछ सीवीज में नहीं भी होती, लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं. लेकिन मैं ये बस बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने पिक्चर नहीं भी लगाई हुई तब भी इशू नहीं होता, सीवी अगर आपकी
अच्छी मतलब आपने एक अच्छी प्रोफाइल शो की हुई है तब भी आपकी सीवी चल जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये वीडियो जो है आपको अच्छी सीवी बनाने में हेल्प भी करेगी। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल अल्फाज नहीं यूज़ किए, मैंने सिंपलेस्ट वे में बताने की कोशिश की है कि आप अच्छी सीवी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स बेचारे जो है ना, मैं खुद भी एक फेज था जिसमें मुझे लगता था कि सीवी बनाना बहुत बड़ा काम है, लेकिन सीवी बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से चीज़ें मेंशन करनी है। लाइक डेफिनेटली हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो अपने बारे में एक अच्छी प्रोफाइल ही पेश करे, तो आपको बस ये तरीका आना चाहिए कि आपने एक अच्छी प्रोफाइल कैसे पेश करनी है। वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली अपनी सीवी बना सकते हैं। तो मेरी वैसे आजकल क्लासेज हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक दो दिन तक मजीद वीडियो भी बना के भेज दूँ प्रोफेसर को ईमेल के हवाले से, क्योंकि ये पूरा एक लंबा लॉन्ग प्रोसीजर है, कुछ महीने लग जाते हैं एडमिशन होने में। तो अभी क्योंकि प्रोफेसर्स को मेल वाला फेस चल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं प्रोफेसर्स को मेल के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।